नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी अपने तरीके से। तो मैंने ये 250 ग्राम पनीर ले लिया है। 250 ग्राम है पनीर, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च, और हल्का सा हम इसमें नमक डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिला देंगे। ऐसे करके अच्छे से सब तरफ से हम इसको मिला लेंगे। ऐसे तो मैंने मिक्स कर लिया इसको। एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम इसको 2 चम्मच तेल डाल के सेक लेंगे। तो केवल 2 चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो दोनों साइड हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो दोनों साइड हम इसको घुमा घुमा के सेक लेंगे। बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके दूसरे साइड कर देंगे। तो दोनों साइड सेक चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। पनीर को मैंने निकाल लिया, और वापस देखिए तेल हमारा जो भी डाला था हमने पूरा बचा हुआ। तो इतने में ही हम तड़का डाल देंगे। 1/4 चम्मच साबुत जीरा, 2 पिंच हींग, 1 तेज़पात, दालचीनी, दालचीनी का टुकड़ा, और 1 मोटी इलायची को बीच से तोड़ दिया है। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है। तो प्याज को डाल दिया मैंने। अब इसको बिल्कुल मतलब हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं, बिल्कुल प्याज को डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। एक तो हल्का भूनते हैं, उतना नहीं भुनेंगे, जो बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है उस कलर तक होने तक हम प्याज को बिल्कुल बराबर चलाते हुए भून लेंगे। ये मैंने 5-6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 3 बिल्कुल लाल टमाटर लिया है। इसका इन तीनों का हम पेस्ट बना लेंगे। तो इन तीनों का हम पेस्ट बना लेते हैं। पहले प्याज का कलर देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है, डार्क ब्राउन। इतना ही हम प्याज को भुनेंगे। अब इसमें मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, और साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। ये मैंने 3 हरी मिर्च काट के रखी। अब साथ में डालेंगे 2 चम्मच पानी, ताकि जो हमारे मसाले हैं सूखे सूखे अच्छे से नहीं भुनते हैं। पानी डालेंगे थोड़ा गीला हो जाएगा, तो इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। तो जितने अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पनीर में। तो मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है। तो ये टमाटर लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे। टमाटर डालेंगे, साथ में हम डाल देंगे नमक, और टमाटर का पानी अच्छे से बिल्कुल जला लेंगे। 2 से 3 मिनट लग जाएगा जलने में। मैंने टमाटर को बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है पेस्ट के जैसे, थोड़ा मोटा मोटा ही पीस लिया है। तो आप भी अगर बनाएं तो टमाटर को ऐसे ही पीसें थोड़ा मोटा। तो बराबर इसको चलाते रहेंगे, टमाटर का पानी बिल्कुल अच्छे से सुखा देंगे, उसके साथ हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। टमाटर भी हमारा अच्छे से भुन गया और हमारा मसाला बनके तैयार है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, मैं पूरी 1/2 गिलास के करीब पानी डाल दी हूँ। तो छोटे गिलास से 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो अब साथ में डाल देंगे 1 कसूरी मेथी, क्रश करके डाल देंगे इसमें। उबाल आने के बाद हम इसमें जो पनीर रखा था हमने फ्राई करके उसको डालेंगे।
एक बार उबाल आ जाए उसके बाद। पनीर में उबाल आ गया है देखिए, तो अब सॉरी ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो अब इसमें पनीर डाल देंगे। मिक्स करके इसको ढक के हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, केवल 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे, ताकि जो पनीर है उसके अंदर हमारे जो मसाले हैं वो चले जाएं। बस इतना ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी डाला ही नहीं है। ग्रेवी गाढ़ी अभी हो जाएगी 2 से 3 मिनट में। आपको जितनी पतली गाढ़ी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी डालिए। साथ में हम डाल देंगे ये पनीर मसाला। मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ लोग मसाला लास्ट में डालते हैं पनीर जब, मेरे को थोड़ा सा मसाला पका हुआ पसंद है, इसीलिए मैं इसी टाइम में पनीर हो या कोई सी सब्ज़ी हो गरम मसाला इसी टाइम डाल देती हूँ ताकि थोड़ा पक जाए। पकते हुए इसको देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है। हाँ, तो हमारी सब्ज़ी बन के देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई और हमारी सब्ज़ी भी पक के तैयार हो गई। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो इसमें डाल देंगे हरे धनिया की पत्ती। तो लास्ट इसमें लगाएंगे हम देसी घी का तड़का। तो ये मैंने 1 चम्मच देसी घी ले लिया है। घी गर्म हो गया, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 लाल मिर्च। तो लास्ट में इसमें तो जो हमारी पनीर की सब्ज़ी है उसका टेस्ट डबल हो जाता है तड़का लगाने से। तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है।